हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ अंबाला सिटी के पास में EDFC का जो ब्रिज बनाया जा रहा है NH44 के ऊपर उसकी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो EDFC की स्टार्टिंग होती है लुधियाना से और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1856 किलोमीटर की। और लुधियाना से लेकर खुर्जा के बीच में EDFC का सिंगल ट्रैक है। और ये आ गई अंबाला सिटी। और ये है अंबाला कैंट का स्टेशन। तो EDFC का ट्रैक स्टेशन से पहले दूसरी वाली साइड में मुड़ जाता है। और ये आ गया नेशनल हाईवे 44। इसके ऊपर यहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है जिसकी मैं आज आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। तो अंबाला के स्टेशन की साइड से ऐसे घूम के आ रहा है ये ट्रैक EDFC का। तो यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी को डाल के इसको एलिवेटेड तो कर दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे पटरी बिछने का कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये है रेलवे ट्रैक जो जा रहा कुरुक्षेत्र की साइड में। तो यहाँ पे ये दो ब्रिज तो बनके तैयार हो चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी यहाँ पे फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। और अभी इस वाले एरिया में भी यहाँ पे ब्रिज बनाया जाएगा और इस साइड में भी यहाँ पे अभी ट्रैक बिछने का कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये आ गया नेशनल हाईवे 44। इसके ऊपर यहाँ पे अभी ब्रिज बनाया जाएगा। यहाँ पे अभी सिर्फ रोड के बीच में एक पिलर बनके तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। और NH को क्रॉस करने के बाद इस साइड में ब्रिज का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है, लेकिन इस साइड में भी फ्लोरिंग का काम किया जाएगा अभी। और यहाँ से ये ट्रैक चला जाता है आगे की साइड में यमुनानगर की तरफ। तो उस साइड में भी EDFC का एक ब्रिज बनाया गया है, उसकी भी अपडेट आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी। तो बस यही एक छोटी सी अपडेट थी EDFC के ब्रिज की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को करना सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।